क्राइसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। सो कुछ वक्त पहले हमने फेसबुक पर एक सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पर हम अलग अलग शोरूम्स में जाके, शॉप्स में जाके, वहाँ पे जो जो नए मटेरियल्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। और द गुड न्यूज़ इज़ वी आर बैक विद द सीरीज़ विद अ लिटिल ट्विस्ट। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, उसके लिए जब भी हम नए मटेरियल्स यूज़ करेंगे, नए प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, या उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब हम उसका वीडियो बनाएंगे, सो दैट एक प्रोजेक्ट का रेफरेंस भी रहेगा। एंड वी आर स्टार्टिंग द सीरीज विथ विंडोज़। और जब भी हम विंडोज़ के बारे में सोचते हैं, आई थिंक द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू आर माइंड इज़ फेनेस्टा। एंड आई एम सुपर हैप्पी दैट दिस वीडियो इज़ इन कोलैबोरेशन विद फेनेस्टा। सो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये एक रो हाउस प्रोजेक्ट है विच इज़ लोकेटेड इन चाकण इन पुणे। और इसके लिए जब हमें क्लाइंट ने अप्रोच किया था, तब एक रॉ स्टेट में साइट थी। अभी हमें स्टेज में है कि हमें विंडोज सिलेक्ट करने हैं, एंड द क्लाइंट वॉज कीन ऑन चेकिंग फेनेस्टा। हम यहाँ पे चेक करेंगे इनका जो भी कलेक्शन है, जो हमारे कंसर्न्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है साइट की, जो भी कंडीशंस है, सब कुछ इनके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि हम कहां पर क्या यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये एक्चुअली एक रो हाउस प्रोजेक्ट है और एंड वाला रो हाउस है। सो उसमें क्या है, आपको तीन जो साइड्स है, तीन साइड्स में विंडोज है, और एक जो साइड है, ये जो साइड है, यहाँ पर एक वॉल है विच इज शेयर्ड बिटवीन द नेक्स्ट रो हाउस। और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर इसका कार्पेट एरिया देखेंगे, 1600 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। और जो सेटबैक एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कंपाउंड वॉल, और सेटबैक एरिया अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट का सेटबैक है। UPVC स्टैंड्स फॉर अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है जो विंडोज और डोर्स के लिए कॉमनली यूज होता है। और इसके अंदर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन की रीइन्फोर्समेंट होती है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। और इसका जो थिकनेस होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से फ्लोर पे आपका घर है, विंड प्रेशर कितना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिसाइड होता है। राइट नाउ वी आर इन प्रभादेवी इन मुंबई, जहाँ पर फेनेस्टा का एक्सपीरियंस सेंटर है। और यहाँ पर डिस्प्ले में UPVC विंडोज एंड डोर्स, एल्यूमिनियम विंडोज का सारा कलेक्शन है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वी वर श्योर कि हमें UPVC विंडोज ही देखते हैं, तो इसके लिए इन दिस वीडियो विल फोकस ऑन UPVC विंडोज एंड डोर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद केसमेंट विंडोज। केसमेंट विंडोज मतलब क्या है? तो केसमेंट विंडोज ओपनेबल विंडोज है, जिसमें विंडो के जो पेन्स होते हैं, वो विंडो के फ्रेम को एक या ज़्यादा हिंजेस से अटैच किए जाते हैं। अगर सिंगल पैनल है तो एक ऊपर से खुलते हैं, जिस तरीके से टॉप हंग विंडो भी हो सकती है, या लेफ्ट ओपन, राइट ओपन, या तो डबल पैनल्स है तो दो साइड में आपके पैनल्स खुलेंगे। इसमें जो हिंजेस यूज होते हैं, फ्रिक्शन हिंजेस, इसकी खासियत ये है कि फ्रिक्शन हिंजेस में क्या होता है कि आपने जितने भी डिग्रीज में आपके विंडो के पैनल को खोला है, तो जहाँ पर वो है वहीं पर विंडो पैनल रहेगा, नो मैटर कितना भी विंड प्रेशर बाहर हो। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं, बीच में कोई भी वर्टिकल मेंबर नहीं होता, जिसकी वजह से क्लियर फुल आपको व्यू मिलता है, पूरी विंडो खुली भी रहती है और पूरे घर में वेंटिलेशन काफी अच्छा रहता है। केसमेंट विंडोज में जैसे आप देख सकते हैं, मल्टी पॉइंट लॉकिंग होता है। इसमें जो TPE रबर गैस्केट है, जिसके वजह से ये जो विंडोज है, डस्ट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, एनर्जी एफिशिएंट है। इसी के वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है, दैट डजंट अफेक्ट द इनसाइड टेम्परेचर। और इसमें क्योंकि 100% एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो एयर लीकेज नहीं होता, और उसी की वजह से AC के ऊपर कूलिंग के लिए ज्यादा लोड नहीं आता और एनर्जी एफिशिएंट है। नाउ ये जो एक डिफरेंट विंडो डिज़ाइन है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, जिसका नाम है विला विंडो। एक सुपर लग्जरी विंडो है, और जो केसमेंट विंडो के बेनिफिट्स है, फीचर्स है, सारे फीचर्स इसमें हैं, प्लस इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं, एक सेंटर में एक मेंबर है। नाउ इसमें जो है, बाहर की तरफ खुलने वाले विंडो पैनल्स आप देख सकते हैं ग्लास के, प्लस अंदर की तरफ खुलने वाले दो पैनल्स है, वो क्या है, तो उसमें मॉस्किटो नेट लगाया हुआ है। तो आपकी ग्लास विंडो आ गई, प्लस आपका मॉस्किटो नेट आ गया, प्लस इसके बीच में जो जगह है, वहां पर आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए ग्रिल लगा सकते हैं। तो आपकी सिक्योरिटी भी, जो आप एक्सटर्नल बॉक्स ग्रिल वगैरह लगाते हो, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक 3-in-1 कॉम्बिनेशन में आपको तीनों चीजें इसमें मिलती है। प्लस इसमें जो हिंजेस हैं, इजी क्लीन फ्रिक्शन स्टे हिंजेस हैं, इससे आप देख सकते हैं कि जो एक गैप है विंडो पैनल और आउटर फ्रेम के बीच में से, उसके बीच में से आप विंडो पैनल से वो बाहर की तरफ से क्लीन कर सकते हैं। अपर फ्लोर्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी, इसमें जो आप ग्लास पैनल्स के ऊपर डिटेलिंग देख रहे हो मेंबर्स का, जॉर्जियन बास का, नाउ ये डिटेलिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यूरोपियन विंडोज़ का एक स्टेपल फीचर है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। ये एक टिल्ट एंड टर्न विंडो है। नाउ एक ओपनेबल विंडो की तरह आप इसको खोल सकते हैं, प्लस इसमें अगर आपको वेंटिलेशन चाहिए और आप पूरी विंडो नहीं ओपन करना चाहते, तो एक टिल्ट वाला फीचर भी इसमें है, विच इज़ अमेजिंग। स्लाइडिंग विंडोज़ हम काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, और अभी UPVC स्लाइडिंग विंडोज़ बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि UPVC के जो बेनिफिट्स है, एक तो ड्यूरेबिलिटी वाइज इट इज़ बेटर, साउंड इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडोज़ के कंपैरिजन में, और थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, मेंटेनेंस काफ़ी कम है,
और ये जो विंडो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये कॉम्बिनेशन वाली विंडो है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो फिक्स्ड है। तो अगर फुल हाइट विंडो का ओपनिंग है और आप नीचे रेलिंग अलग से नहीं लगाना चाहते, तो आप ये डेफिनेटली कॉम्बिनेशन वाली विंडो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस यूपीवीसी स्लाइडर्स मूव ऑन द रिजेस ऑन रोलर्स, जो एडजस्टेबल रोलर्स हैं, तो जिससे इसकी मूवमेंट है काफ़ी स्मूथ होती है और इन ट्रैक्स को क्लीन करना भी कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट जो है यूपीवीसी कॉर्नर डोर है। नाउ कोई भी एल टाइप का आपका ओपनिंग है तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूपीवीसी के विंडोज़ या डोर्स जब राइट एंगल में परपेंडिकुलर एक दूसरे को मीट होते हैं और लॉक होते हैं, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ओपन होने के बाद कॉर्नर पे, जंक्शन पे कोई भी वर्टिकल मेंबर नहीं होता। तो आपको कोई भी विजन ब्लॉक अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हैं। अगला डोर है यूपीवीसी का स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर, और इसमें जैसे आप देख सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपकी बेडरूम और जो आउटसाइड टेरेस है, बालकनी है, लिविंग रूम और आउटसाइड एरिया, उसके बीच में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ इसमें जैसे आप देख सकते हैं, उस स्लाइडिंग फोल्डिंग मैकेनिज्म से सारे जो डोर पेन्स हैं एक या दो साइड में स्टैक हो जाते हैं और फिर बीच का पोर्शन आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो जब आपको दोनों एरिया सेपरेट फंक्शन से उसके लिए यूज करने, या कभी कोई गेट टुगेदर है, पार्टी है, लोग आए हैं बहुत, आप दोनों एरियाज को कंबाइंड यूज करना चाहते हैं, तो पूरे एरिया को एक साथ यूज कर सकते हैं। 75% ऑफ द ओपनिंग कैन बी स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर, और 25% अगर सिंगल पैनल है वो आप उसको ओपनेबल रख सकते हैं। सो आपको डे टू डे यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। आखिरी डोर है लिफ्ट एंड स्लाइड डोर। तो इसमें एक्चुअली जो आपका डोर का पैनल होता है वो लिफ्ट होके स्लाइड होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हैंडल टर्न करने पर पूरा का पूरा पैनल एक्चुअली लिफ्ट हो रहा है और स्लाइड हो रहा है। और इसमें एक चीज़ है कि आप उसको हैंडल टर्न करके किसी भी पॉइंट पे उसको लॉक कर सकते हो। सो अनलाइक अ नॉर्मल स्लाइडर जहाँ पे विंडो का पैनल आप शिफ्ट कर सकते हो और किसी एंड में ही उसको लॉकिंग है, इन दिस केस आपको जहाँ भी जिस भी पोजीशन में उस पैनल को लॉक करना है आप उसको लॉक कर सकते हो। अगर फिनिशेस की बात करेंगे तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि महोगनी, वाइट जो एक स्टैंडर्ड फिनिश है, वॉलनट, डार्क ओक, लाइट ओक, ब्लैक एंड फ्लेमिश गोल्ड। नाउ दैट वी आर बैक फ्रॉम द फिनिस्टा स्टूडियो, और वहाँ पे जो जो उनका कलेक्शन था विंडोज में, जो जो वैरायटी अवेलेबल थी, सब कुछ हमने देख लिया है। अभी हमारे साथ स्वप्निल है, चैताली है, उस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर। सो स्वप्निल, यू बीन टू द साइट, सो अभी एग्जैक्टली क्या स्टेज है, इफ यू कैन अपडेट अस? साइट इज इन सिविल स्टेज राइट नाउ, और फ्लोरिंग हो चुका है, विंडो फ्रेम्स हो चुके हैं, बाथरूम्स रेडी है एंड किचन काउंटर रेडी है। एक्चुअली डोर के लिंटल्स लग चुके हैं, तो लेट्स सी इफ वी कैन इनकॉर्पोरेट दोज डोर्स व्हिच वी सॉ यस्टरडे, दे वर रियली इंटरेस्टिंग। सो यहां से मेन एंट्रेंस है, यहां से आप अंदर आते हो, दिस इज द लिविंग रूम, फिर ये बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आप अंदर आते हैं, एंट्रेंस लॉबी है, ये स्टेयरकेस जहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, ये कॉमन वॉश बेसिन एक बाहर दिया है, कॉमन वॉशरूम है, डाइनिंग वाला एरिया है, किचन वाला एरिया है, किचन के बाहर एक छोटा सा हिस्सा है यूटिलिटी जैसे, बाहर कुछ चीज़ें हम देने वाले हैं। कोई भी विंडो ऐसी नहीं जो एकदम नीचे तक है, इसके दोनों साइड में पीछे एक्चुअली फार्मलैंड्स है, उसका एक बहुत ही अच्छा फोटो, बहुत आई थिंक फर्स्ट इनिशियल किसी साइट विजिट में मैंने खींचा था, यहाँ पे हम डाल देंगे। नीचे बेडरूम कोई भी नहीं है। नाउ दैट वी हैव सीन द ग्राउंड फ्लोर, चैताली कैन यू एक्सप्लेन अस द फर्स्ट फ्लोर? यस, फर्स्ट फ्लोर पे आते ही यहाँ पे अभी चार डोर्स हैं, सभी बेडरूम में अटैच टॉयलेट्स है, और इसमें बेडरूम वन और जो थ्री है इसमें दोनों भी बेडरूम में दो दो विंडो है, बेडरूम टू में सिर्फ एक ही विंडो है। सो फर्स्ट फ्लोर पे थ्री बेडरूम्स है और एक प्रेयर हॉल है, एंड मोर ऑर लेस एवरी विंडो इज ऑफ द सेम साइज, 18 इंचेस का उसका सिल लेवल है एज यू सेड, एंड ऊपर 5 feet by 5 feet ऑन एन एवरेज ऑल द विंडोज आर देयर। फ्रॉम ऑल द विंडोज दैट वी सॉ, यू लव दैट टिल्ट एंड टर्न, राइट? टिल्ट एंड टर्न वाज रियली नाइस, बट आई थिंक उसका जो मैक्सिमम स्पैन था दैट वाज 3 feet, और हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी विंडो नहीं है जो 3 feet की विड्थ की है, सो वी वोंट बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट, बट आई वुड हैव लव्ड टू। वी कांट मॉडिफाई द एक्सटीरियर फेस, आइदर वी कैन गो फॉर स्लाइडिंग विंडो और ओपनेबल विंडो, दैट इज व्हाट आई थिंक वी शुड डिस्कस। और उसमें भी आई थिंक जो एक विला विंडो था, जो ओपनेबल विंडो था, बट जिसमें एक्चुअली तीन चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, उसमें एक नॉर्मल विंडो पैनल से ओपनेबल, प्लस अंदर के साइड पे आप उसको मॉस्किटो नेट भी डाल सकते हो विच ओपन्स ऑन द इनसाइड, प्लस सेफ्टी के लिए जो हम बॉक्स ग्रिल वगैरह देते हैं, अगर आपको अवॉइड करना है तो बीच में आप वो बार्स भी डाल सकते हो, तो वो सेफ्टी विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, क्योंकि उसमें जो हिंजेस यूज हुए हैं तो पैनल्स इस तरीके से खुलते हैं कि आप उसको बाहर से क्लीन कर सकते हो। सो आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे या अपर फ्लोर पे यूज करने के लिए इट वॉज आई रियली लाइक इट। हाँ, सबके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो व्हाइट ऑन व्हाइट हार्डवेयर भी है, द होल बंगलो स्कीम इज ऑल्सो व्हाइट कलर एंड हार्डली देयर इज स्टोन इन बिटवीन।
सो बाहर से व्हाइट ही रखेंगे एंड इवन इट विल सूट आवर डेकोर. सो जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर पे डिस्कस किया, ग्राउंड फ्लोर पे भी विला विंडोज ही हम यूज कर सकते हैं. इवन दो ग्राउंड फ्लोर पे क्लीनिंग का ऐसा कुछ इशू नहीं है, बाहर वाले सेटबैक का एरिया वहाँ से आप क्लीन भी कर सकते हो, बट आई थिंक एक लुक मेंटेन करना है तो हम सेम यूज कर सकते हैं या तो नॉर्मल ओपनेबल विंडोज जो है. द सेटबैक स्पेस इज 5 feet एंड इफ विल ओपन द डोर देन इट विल रिमेन ओनली 2.5 feet. हाँ, तो वो एक है, बाहर वाला एरिया हमारा थोड़ा सा ये हो जाएगा. सो मे बी व्हाट वी कैन डू इज एक तो कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं कि नीचे हम वो विंडोज ले ले, स्लाइडिंग वाले विंडोज ले ले, तो बाहर का एरिया यूज करने का कोई कंसर्न नहीं है, वो कर सकते हैं. और ऊपर हम जो विला विंडोज है वो कर सकते हैं, या तो फॉर कंप्लीट रेसिडेंस हम एक जो लग्जरी स्लाइडर वाला था उसी का कोटेशन ले सकते हैं. बट एक चीज है, अगर हम लग्जरी स्लाइडर ले रहे हैं तो फिर हमें बाहर सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वी विल हैव टू गो फॉर बॉक्स ग्रिल. या लेट अस टेक द कोट एंड Once the court is back, we can decide. हाँ, अभी हम फेनेस्टा के वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आप बाकी सारे उनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी देख सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी स्पोक अबाउट यूबीएस विंडोज एंड डोर्स बिकॉज हम वही देख रहे हैं इस साइड के लिए, बट आपको कुछ दूसरी चीजें एक्सप्लोर करनी है तो वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं. और एक चीज है, कोटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर कॉस्टिंग जानना है आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए आप चाहते हैं फेनेस्टा के विंडोज या डोर्स यूज करना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है उसके ऊपर आप क्लिक करके एक फ्री साइट विजिट अरेंज कर सकते हैं. क्योंकि कॉस्टिंग काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो फ्रेम का कलर है वो व्हाइट है, बेसिक व्हाइट है, या आप कोई वुडन कलर चाहते हैं, वुडन फ्रेम, ग्लास की थिकनेस क्या है, सिंगल ग्लास है, डबल ग्लास है, लैमिनेटेड ग्लास है, टफन ग्लास है, और ग्लास का थिकनेस भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि विंड लोड, विंड प्रेशर कितना है, तो उसके हिसाब से आपका जो हार्डवेयर है, हैंडल्स है, लॉक है, उसमें भी डिफरेंट फिनिशेस होते हैं. इन सारी चीजों के ऊपर से कॉस्टिंग वेरी होता है, वो आप डेफिनेटली उनके टीम के साथ डिस्कस करके आपको समझ जाएगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हाट वुड बी द कोटेशन. उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा. मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या प्रोबेबली कोई नई चीज जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा. अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये जो नई सीरीज है उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा. मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय.